आपका स्वागत है आज के नए रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं एक टेस्टी कॉन्टिनेंटल स्टार्टर मशरूम फ्रिटर्स। उसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। पहले हमें मशरूम के डंडी को निकालकर मशरूम को अच्छे से धोकर लेना है। अभी पहले हम बना लेते हैं चीज़ की स्टफिंग। उसके लिए एक बाउल में प्रोसेस चीज़ मतलब जो मार्केट में नॉर्मल चीज़ मिलता है वो मोज़रेला चीज़, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटी शिमला मिर्च। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्च है तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें। बारीक कटा धनिया। अगर आपको पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल रेसिपी बनानी है तो आप धनिया के जगह पर पार्सली का यूज़ करें। ड्राई ओरेगैनो, चिली फ्लेक्स, क्रश पेपर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें बैटर बनाना है। उसके लिए एक बाउल में मैदा, कॉर्न स्टार्च, नमक, क्रश पेपर और पानी को डाल के थिक बैटर बना लेंगे। तो अभी हमारा बैटर भी रेडी है। तो अभी हम मशरूम में चीज़ स्टफ कर लेते हैं। चीज़ को अच्छे से मशरूम में दबाकर भरना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर एक बाउल में मैंने कॉर्न स्टार्च, एक बाउल में बैटर और एक बाउल में ब्रेड क्रम्ब लिया हुआ है। पहले स्टफ मशरूम को कॉर्न स्टार्च से कोट करना है। उसके बाद उसे बैटर में डीप करना है और बाद में उसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट करना है और हल्के हाथों से दबाना है। मशरूम को पहले कॉर्न स्टार्च से कोट करके बाद में उसे बैटर में डीप करने से मशरूम पे बैटर अच्छे से पकड़ लेगा। तो चलो अभी हम मशरूम को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए ऑयल का टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका तेल ठंडा रहा तो आपके मशरूम फ्राई होने के पहले ही अंदर का चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा और मशरूम को कलर भी नहीं आएगा। तो उसके लिए परफेक्ट तेल का टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो मीडियम से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर फिर भी आपका चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ रहा है मतलब आपका बैटर पतला है। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बाकी बचे मशरूम्स को वापस से बैटर में डुबाकर उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करके लेना है और बाद में उसे डीप फ्राई करना है। इससे चीज़ बाहर आना बंद हो जाएगा। इस आवाज़ से आप समझ सकते हो कितना क्रिस्पी बना है हमारा मशरूम फ्रिटर्स और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।